मैं आपको मेंडले का बताऊंगा। मेंडले एक टूल है जो कि बहुत इजी है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रेफरेंसिंग, मतलब ऑटोमेटेड रेफरेंसिंग के लिए। तो इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें, medley.com, ठीक है। आई थिंक राइट, दिस इज माय अकाउंट। आपका जो भी अकाउंट, जीमेल अकाउंट है, आप उसके जरिए इसको राइट। तो ओके, रजिस्टर। ठीक है, तो इसको सेव कर लें, आपका अकाउंट बन गया। मेडले के ऊपर मेन बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे कंफर्मेशन ईमेल भी आई होगी। या दिस इज माय मेंडले, ये मेरा जो है। अच्छा, आप ना मेंडले के ऊपर से भी इसका अपनी डेटाबेस है, रिसर्च डेटाबेस, जैसे गूगल स्कॉलर है ना, दिस इज अ रिसर्च डेटाबेस, ठीक है, जिससे आप पेपर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। इसी तरह वेब ऑफ साइंस है, दिस इज रिसर्च डेटाबेस। कॉर्पस है, रिसर्च डेटाबेस है। साइंस डायरेक्ट है, रिसर्च डेटाबेस है, यहाँ से आपको रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। इसी तरह मेडले की भी ये रिसर्च पेपर जो है वो डेटाबेस है। लेट्स सपोज मैं COVID-19 के ऊपर पेपर्स ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे सारे उससे रिलेवेंट पेपर्स जो है वो निकाल के ले आएगा। लेकिन हमने बेसिकली हम मेडले को यूज़ कर रहे हैं रेफरेंसिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। मुझे मेडले की ईमेल आ गई है, राइट। तो मैं यहाँ से जाऊँगा लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी मीन्स टू से जहाँ पे मैंने अपने ओ ऐड किए हुए हैं सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमने अब करना क्या है। अच्छा जी, मुझे इसमें दो चीज़ें चाहिए। ये तो मेरा मेंडले पे हो गया अकाउंट। अच्छा, एक तो मुझे चाहिए मेंडले साइट, वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये है वर्ड के लिए, ठीक है। और एक मुझे चाहिए मेंडले का गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें मेंडले क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, जो वेब इम्पोर्टर इसका नाम है, इसकी एक्सटेंशन का। या दिस वन, ऐड टू क्रोम, यस ऐड टू क्रोम, राइट। एंड नाउ यू कैन सी हियर इट्स एडेड टू द क्रोम। आप इसको बेशक यहाँ पे पिन कर लें या जैसे भी है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे, एक विंडो ओपन होगी इस साइड पे, इसको आपने क्लोज नहीं करना, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये आपको साइन इन करवा देगा। नाउ यू कैन सी दैट, इसके ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका वेब इम्पोर्टर जो है वो साइन इन हो चुका होगा, ठीक हो गया जी। तो मेडले पे अकाउंट बना लिया, वेब इम्पोर्टर इंस्टॉल कर लिया, मतलब गूगल क्रोम एक्सटेंशन ना। अब हमने जाना है MS वर्ड में, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल पड़ा है, उसके ऊपर हमने रेफरेंसेस लगाने हैं। तो यहाँ पर लिखना डाउनलोड मेंडले साइट, ठीक है। अच्छा, एक काम आपने करना है, आपके पास ऑफिस जो है ना वो 16 होना चाहिए, या आपके पास ऑफिस 365 होना चाहिए। ऑफिस 13 या उससे ओल्ड के ऊपर ये नहीं चलेगा। सो मेक इट श्योर कि आपका ऑफिस जो है वो 16 है, या जो भी लेटेस्ट है। अगर आपको नहीं मिल रहा, मुझे आप बताएं, मैं आपको लिंक दूंगा, यहाँ से आप लेटेस्ट MS ऑफिस वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये गूगल आपके सामने इसने अकाउंट मांगा, मैंने अपने जीमेल का अकाउंट दे दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो ये जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ट्राई टेकिंग यू टू माइक्रोसॉफ्ट 365 टू कंप्लीट द प्रोसेस। सो विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये मेरा अब डाउनलोड हो चुका है मेंडले साइट। अब मैंने क्या करना है, ओपन इन वर्ड, ओपन वर्ड, MS वर्ड के अंदर ये ओपन हो जाएगा। इंतहाई इजी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ये MS वर्ड आपका ओपन हो गया, अब इसकी इस साइड पे एक वो ओपन करेगा, ओके, रेफरेंसेस, दिस इज मेंडले साइट, क्लियर हो गया। इस पर क्लिक करें, ठीक है, गेट स्टार्टेड,
गेट स्टार्टेड में विद अ डिफरेंट अकाउंट, ओके, ए डॉट ठीक है, अपना जिस ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट बनाया था वो आप लगाएं, ठीक है, अपना पासवर्ड लगाएं, तो ये आपका साइन इन हो जाएगा। सो हेयर योर मेंडले इज टोटली सेटअप, सो जस्ट क्लोज योर एम एस वर्ड, डोंट सेव, राइट, एंड आई थिंक वी हैव टू रीलॉन्च द विंडो, ओके, हम इसको रीलॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट रीलॉन्च इट, एंड जस्ट वेट अ व्हाइल, ओके, वी हैव टू गो टू मेंडले। अच्छा, इसका ना डेस्कटॉप वर्जन भी है, वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं उसको इसका वेब वर्जन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज माई लाइब्रेरी, ओके हो गया, एंड दिस इज, आज देखें अब ये आपका चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, लेट्स सपोज आप जो पेपर लेना चाह रहे हैं आप गूगल स्कॉलर्स लेना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ पेपर, अच्छा इसके मज़ा एक और है कि इसके अंदर हमें पेपर्स डाउनलोड नहीं करने पड़ते। लेट्स सपोज मुझे गूगल स्कॉलर के ऊपर एक पेपर चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, या जो भी मुझे पेपर चाहिए, जो भी है, मैं खुद से सर्च करूँ ना, ये कुछ पेपर्स हैं आपके सामने हैं, ठीक है, गूगल स्कॉलर ने सर्च करके लेके आया, अब इसको मेंडले में लेके जाना है। पहला तो काम यह है कि यहीं से आप मेंडले इंपोर्ट पर क्लिक करें, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, जस्ट वेट, क्योंकि ये एक्चुअली इस सारे डेटे को यहां से एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर ले गया है, तो जस्ट फ्यू मिनट्स हम, हाँ ये देखें, अब 10 references डिटेक्टेड ऑन द पेज, ठीक है, एक ये है एज एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन पीडीएफ, ये यहाँ पे, हाँ ये देखें ये वाला, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस डॉट डिक की ये है 2019 वाली, ठीक है, पी एच विंगस्टन की ये है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब आपने करना क्या है, लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट ऑल करने हैं, सारे कर लें, लेकिन आपने इसमें से जो जो से रेफरेंस ऐड करना है, दिस दिस जो भी करना है, ठीक है, आपने सिंपल ऐड टू मेंडले कर देना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, जो ऐड कर रहा है मेंडले में। अच्छा, हो गया ऐड, अब अपने अपने मेंडले में जाएं तो देखें आपके पास ये 3 papers ऐड हो चुके हैं। अच्छा, हम ना इनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, कलेक्शन है ना, मैं लेट्स सपोज कोई एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसका जो भी टाइटल है, टाइटल 1 लेट्स सपोज, ठीक है, तो इन सबको यहाँ से आप ऑर्गेनाइज कर दें, इनको ऐड टू ग्रुप कर दें, कलेक्शन किधर गया, हाँ जी, ऐड टू कलेक्शन कर दें, ऐड टू ग्रुप कर दें, दैट टोटली आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को भी अपने साथ कोलेबोरेशन में ऐड कर सकते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, देखिए अब आप टाइटल 1 के अंदर ये सारे आ रहे हैं, इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो इसमें मल्टीपल आप पहले पेपर्स डालते जाएं डालते जाएं। अच्छा, उसके बाद जब हमने वर्ड के अंदर साइटेशन करने पे आना है, तो अब इसमें लेट्स सपोज मेरे पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में देखता हूँ, हा, एनीवन लाइक दिस, राइट, सो हियर वी कैन सी दैट, लेट्स सपोज मुझे किसी जगह पे रेफरेंसेस लगाने हैं, ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगा रिव्यू पे, तो सॉरी, हाँ मेंडले साइट, रेफरेंसेस में नहीं, रिव्यू में नहीं, सॉरी रेफरेंसेस में, ठीक है जी, मेंडले साइट को ओपन करूँगा, जो मेरा प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया, समटाइम ना ऐसा होता है वर्ड के अंदर ये प्लगइन खुद ब खुद अनइंस्टॉल हो जाता है, तो हम इसको दोबारा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब देखिए आपने वो 3 papers डाले थे ना, यहाँ पे वो तीनों आ रहे हैं, यहाँ से आप कर लें ऑल रेफरेंसेज रिसेंटली एडिड, या जो कलेक्शन है, लेट्स सपोज टाइटल 1 के थे, मैंने वो सर्च कर लिए, अब लेट्स सपोज ये है, यहाँ पे मैं रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, अच्छा रेफरेंस साइटेशन साइटिंग है, यहाँ से उसकी साइटिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन है ना, वो हमारे पास ये है, अमेरिकन, नहीं नहीं सॉरी,
किधर की ये PS7 IEEE है, ठीक है, हार्वर्ड है, उसके बाद हाँ ये APS7 किधर की। अच्छा यहाँ से आप सर्च कर लें, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखें तो उनके एक्यूरेटली यूनिक रेफरेंस स्टाइल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सपोज मुझे APA चाहिए, ठीक है, तो आप ये देखें ये सब यूनिवर्सिटीज का आपको बता रहा है, इस यूनिवर्सिटी का APA स्टाइल, हर यूनिवर्सिटी ने अपने लिहाज से रेफरेंस लिस्ट दी होती है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, आप कौन सा स्टाइल आपको कहेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मुझे हार्वर्ड चाहिए, ठीक है, अब हार्वर्ड में एल्सवेयर का हार्वर्ड विद टाइटल्स मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, दैट्स टोटली अप टू मी, मैंने कौन सा स्टाइल यूज़ करना है तो उसी में रेफरेंसेज आपके डाल देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ, सिंपली दिस इंसर्ट वन साइटेशन, राइट, ये डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आई थिंक कमेंट्स को खोला हुआ है, तो इसको मैं बंद कर दूँ, एक मिनट, ऑल मार्कर्स ओरिजिनल, ठीक है जी, तो हमने कहाँ डाला था रेफरेंस, सॉरी यहाँ पे हमने अपना रेफरेंस डालना है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एंड अच्छा इससे आप कंफ्यूज नहीं हो ना, आप शायद इससे कंफ्यूज हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जिसमें ऑलरेडी मेरे पास दिस, राइट, सो आई एम गोइंग टू एड अ रेफरेंस ओवर देयर, मेंडले साइट अगेन, रिव्यू को आपको पता है ना, वो एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट खोली हुई है रिव्यू करने के लिए, रिव्यू इसलिए इसलिए लेट्स सपोज मुझे राइटर ने लिख के दिया, उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं तो मैं रिव्यू में उसको कमेंट करके हम दे देते हैं ना कि यहाँ यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं, इसलिए वो रिव्यू में ओपन हुई थी। अच्छा खैर आप इसको देखें, अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस डालना, साइटेशन स्टाइल ऑलरेडी APA 7 बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, आपके ऊपर मर्जी, आपने जो ऐसा मर्जी करना है, ठीक है, APA 7 और हार्वर्ड बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक जैसे ही है, तो अच्छा जी यहाँ पे मैंने डालना है इंसर्ट साइटेशन, तो देखें ये साइटेशन ऐड हो गया, आप इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं इसी साइटेशन को, ठीक है, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, तो लाइक इसमें अगर कोई चीज़ें अगर नहीं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसने नहीं डिटेक्ट की, ठीक है, तो आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, तो यहाँ देखिए इसमें आगे लिखा हुआ साइटेड, ये साइटेड हो गया, ये साइट हो गया, तो इस तरीके से हम इसमें सारे रेफरेंसेज ऐड कर देते होते हैं, और एंड पे जाके लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है, तो मोर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड कंटिन्यू, तो ये देखें ये इसने बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर दी। आप इसको उसके बाद इसका थोड़ा साइज वगैरह सेट शूट कर लें, बस दैट्स ऑल अबाउट मेंडले, मैं थोड़ा सा स्लो पेस में समझा रहा था लेकिन इसको यूज करना इतना ही थी।